हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सबको चैनल। दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर एक 12,000 के प्राइस में ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि आपके सभी काम कर दे, यानी कि कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस वगैरह उसमें आपको काफी अच्छे देखने को मिले, तो आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 इस टाइम पर ले सकते हैं। बट वही कंपनी अब इस स्मार्टफोन का एक अपग्रेडेड मॉडल जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा माइक्रोमैक्स इन नोट 2। इस स्मार्टफोन को BI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जहां पर इसके मॉडल नंबर से ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 2 ही है। तो अगर आप 12,000 के प्राइस में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह देखने को मिले, तो आप इस स्मार्टफोन का जरूर से वेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, अभी कुछ दिनों पहले हमने 12,000 की प्राइस में मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमें माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के बारे में भी बताया था कि ये स्मार्टफोन भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन के कुछ कंफर्म फीचर की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाले हेलियो G95 चिपसेट इसमें देखने को मिलेगा, जो कि इससे पहले हमें Realme Narzo 30, Redmi Note 10s स्मार्टफोन में देखने को मिल चुका है। तो ये चिपसेट काफी कमाल का है, इसमें आप गेमिंग वगैरह काफी अच्छे लेवल की कर सकते हैं, साथ में डे टू डे लाइफ में भी ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके साथ में ये भी कंफर्म हो गया है कि इस स्मार्टफोन में 4GB LPDDR 4X RAM देखने को मिलेगी, जिसके साथ में 128GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर मिलेगा, जिसमें कि हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर एप्स वगैरह एड्स वगैरह देखने को इस स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाली, क्लीन एक्सपीरियंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की, तो अभी तक इस स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन सामने नहीं आया है, बट जैसे इसका कोई भी फर्स्ट लुक सामने आ जाती है तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के जरिए जल्द ही अपडेट कर दूंगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर की, जो कि अभी तक लीक्स वगैरह में निकल कर आए हैं, तो इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि LCD पैनल होगा। यहां पर कोई भी 90Hz या सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी ऐसा करने वाली है। वहीं इसमें पंच होल कैमरा भी देखने को हमें मिलेगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कंपनी अपने पुराने मॉडल यानी कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से यहाँ पर अपग्रेड करने वाली है। उसमें हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, जबकि यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट कैमरा हमें वही सेम 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी हमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में हमें सेम 5000mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 18W की चार्जिंग दी जाएगी। इसके अलावा इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो इसमें डुअल सिम, ट्रिपल कार्ड स्लॉट, USB टाइप सी, 3.5mm हेडफोन जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक जैसे फीचर इसमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने पिछले मॉडल से। यहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट एंड प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन को कंपनी 13,000 के अंदर ही लॉन्च करेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन को देखा जाए तो यहाँ पर हमें माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के सामने Realme Narzo 30 एंड Redmi Note 10s जैसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जो कि सेम प्रोसेसर के साथ में आते हैं। तो यहाँ पर उन स्मार्टफोन से कम ही इसकी प्राइस रखी जाएगी। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन Geekbench एंड BI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। तो इस स्मार्टफोन का लॉन्च डेट बहुत ही जल्दी होने वाली है, यानी कि इस स्मार्टफोन को कंपनी अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्टिंग वीक में लॉन्च कर सकती है, जहां पर हमें 12 से 13,000 के प्राइस में काफी अच्छी स्पेक्स देखने को मिलेगी। तो आप इस स्मार्टफोन का जरूर से वेट कर सकते हैं। इसके अलावा Realme कंपनी में अपना Realme 8s को लॉन्च करेगी, जो कि सेम 12 से 13,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, और वो स्मार्टफोन शायद से 5G प्रोसेसर के साथ में आ सकता है। तो यहां पर Realme कंपनी 12,000 की प्राइस में अगर कोई 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है तो काफी कमाल की बात हो जाती है। वहीं अगर आप Realme 8s के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी आपकी क्या है राय माइक्रोमैक्स के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, बताने नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसे नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।